उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीति चरम पर है, लेकिन इस राजनीति में इन दिनों लाल टोपी पर सियासत चल रही है। पीएम मोदी की ओर से दिए गए लाल टोपी से अलर्ट वाले बयान पर लगातार अखिलेश यादव पीएम को घेरने में लगे हैं। वहीं एक बार फिर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने लाल टोपी पर पीएम को घेरा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी के नेताओं को लाल टोपी का डर सता रहा है और उन्हें अपना राजनीतिक अस्तित्व खतरे में लग रहा है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी की लाल बत्ती गुल हो गई है और इस सच्चाई से बीजेपी अच्छी तरह परिचित हो गई है। सपा अध्यक्ष ने कहा कि भारतीय संस्कृति का राग अलापने वाले बीजेपी नेताओं को यही नहीं पता है कि लाल रंग हनुमान जी का है। जीवन में लाल रंग बदलाव और खुशहाली का प्रतीक है, लेकिन बीजेपी इस बात को समझने को तैयार नहीं है। उसकी नीतियां नफरत फैलाने वाली है। बीजेपी नेताओं को देश की भावनाओं से कोई लेना देना नहीं, ना ही किसानों और नौजवानों की समस्याओं के प्रति उसका रुख उपेक्षापूर्ण है। अखिलेश आगे कहते हैं कि बीजेपी किसानों से किए गए वादों को भूल गई है और यही नहीं, उसने अपने चुनाव संकल्प पत्र में जो वादे किए थे उन्हें भी वो कूड़े में डाल चुकी है। तो लाल टोपी पर सियासत छिड़ी हुई है। कभी अखिलेश यादव कहते हैं कि हनुमान जी का रंग है लाल, इसके अलावा कहते हैं कि ग्रंथों को भी लाल कपड़े में लपेटा जाता है, इसके अलावा कहते हैं कि देवी देवताओं को लाल रंग की चुनरी चढ़ाई जाती है, इसके अलावा कहते हैं कि मानव में भी लाल रंग का जो लहू है वो बह रहा है। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि इस चुनाव में लाल रंग पर पूरी तरह से फोकस पक्ष और विपक्ष का है। इसके साथ ही जो लाल टोपी है उसका डर बीजेपी को है, ऐसा अखिलेश यादव कह रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि लाल टोपी से अलर्टनेस बेहद जरूरी है। तो लाल टोपी पर सियासत छिड़ी हुई है। एक के बाद एक तमाम बयान सामने आ रहे हैं लाल टोपी पर। क्या लाल टोपी से बीजेपी को डर है? ऐसे सवाल इसलिए क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि इनकी जो लाल रंग है वो इनकी जिंदगी से जाने वाला है। लाल टोपी से बीजेपी कितनी अलर्ट नजर आ रही है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोरखपुर दौरे के दौरान लाल टोपी पर कमेंट किया था। क्या टोपी डुबा सकती है बीजेपी की नैया? सवाल सपा का। क्या सपा बीजेपी को करारा झटका देगी? लाल रंग से बीजेपी को आखिर परहेज क्यों है? अखिलेश यादव पूछ रहे हैं कि जब लाल रंग भावनात्मकता का प्रतीक है तो फिर इससे परहेज क्यों, गोरेज क्यों? लाल रंग यूपी में बदलाव का प्रतीक है। बदलाव हम क्या समझे, राजनीति में बदलाव या कुछ और होने वाला है? यूपी में कौन सा होगा चुनावी रंग, भगवा या लाल? अंतर कितना दोनों में? दोनों ही रंग हिंदुत्व के प्रतीक है ऐसा माना जाता है। लाल टोपी पर सवाल, नया सियासी बवाल खड़ा हो गया है। सियासी बवाल में लेकिन कुछ और नजर नहीं आ रहा है। अखिलेश यादव एक के बाद एक तमाम बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। अशोक पांडे बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अशोक जी, सबसे पहले न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में आपका बहुत स्वागत है। ये देखिए, आपको बता दें कि लाल रंग तो खतरे का प्रतीक होता है जी, और लाल रंग डॉक्टर राममोहन लोहिया टोपी लगाते थे तो डॉक्टर लोहिया कहते थे कि पूरा समाज हमारा परिवार है, अखिलेश जी के यहाँ पूरा परिवार ही इनका समाज है, ये कोई लोहियावादी लोग नहीं है। अशोक जी, एक पार्टी का जो प्रभु एमएलए है वो जब जो सिंह मारता है माथा लगाता है जी जी, तो वे लोग तो उत्तर प्रदेश में अपराध का कर अगर किसी पार्टी ने किया तो समाजवादी पार्टी ने किया, और इनका एमएलए जिसे माथा लगा के ये जावाज अफसर को मारने का प्रयास किया, आपको क्या समझा इनकी सत्ता बनेगी तो ये सिंह मारने वाले लोग है। अशोक जी इतना आक्रोश, इतना गुस्सा कि आपने मेरा सवाल भी नहीं सुना, आपने जवाब देना शुरू कर दिया जी। इतना गुस्सा किस बात का? लाल रंग से इतना परहेज क्यों? अगर कोई पूर्व मुख्यमंत्री ये कहेगा कि वल्लभ भाई पटेल से बड़े जिन्ना थे तो हमको गुस्सा आएगा ही, हर हिंदुस्तानी को गुस्सा आएगा, हर राष्ट्रभक्त को गुस्सा आएगा। अच्छा अशोक जी, एक बात बताइए कि लाल रंग में और भगवा रंग में कितना अंतर है? दोनों तो हिंदुत्व के प्रतीक है, फिर लाल रंग से इतना चिढ़ क्यों? देखिए, लाल रंग से हमें नफरत नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य है वह लाल रंग जब लोहिया के माथे पे आता है तो समाजवाद आता है, अखिलेश के माथे पे आता है तो परिवारवाद आता है, इससे नफरत। तो अखिलेश यादव कह रहे हैं कि हनुमान जी का रंग है लाल रंग, लाल रंग देवी देवताओं को चढ़ता है और बीजेपी का तो कॉपीराइट है हिंदुत्व पर। अखिलेश जी बात कर रहे हैं कि हनुमान जी का रंग है, यही अखिलेश जी राम मंदिर बनाने के सवाल पर राम भक्तों के लहू से सरयू की धरती को लाल कर चुके हैं। अच्छा, राम हनुमान से क्या मतलब?
अच्छा, राम से मतलब नहीं है, हनुमान से मतलब है, इससे भी आपको परेशानी है? बिल्कुल परेशानी है। जब राम का मंदिर बनने की बात हो रही थी तो राम भक्तों का खून करते हैं, आज हनुमान जी का नाम लेते हैं जो स्वयं राम भक्त थे, अधिक है। ये मामा मारीच का खानदान है, अखिलेश का खानदान मामा मारीच का है, जो कोई भी भेद बदल देता है। कहीं सोने का ये डर तो नहीं है, ये डर तो नहीं है, क्योंकि अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो लाल रंग है वो गायब होने वाला है बीजेपी के पास से, तो ये डर है क्या? हमको कोई लाल रंग से डर नहीं। उत्तर प्रदेश में तो हम इनको अकेले नहीं पटके थे, हमने माँ बेटा को पटका, बेटा को, बेटा भाग को पटका, बुआ बुआ भाज भतीजा को पटका, तो उत्तर प्रदेश के लाल को पकड़ा। हमको किसी से डर नहीं है, किसी लाल से डर नहीं है। आज थोड़ा अखिलेश यादव का इतिहास ज्ञान हमसे ज्यादा तेज हो गया है कि वल्लभ भाई पटेल सुबह जिंदा को बता रहे हैं कि हमको निश्चित तौर से इससे हम लोग को परहेज है। तो आपको अब वो जिंदा बता रहे हैं, तो आपको लोहिया से परेशानी है? हमको डॉक्टर लोहिया समाजवाद के प्रवक्ता थे, कहते थे हर हिंदू मुसलमान को समझना चाहिए, बाबर गजनी और गोली हमलावर और लुटेरे थे, मुझे शिव का मस्तक राम की मर्यादा से इसका हृदय प्यारा है, इन्हें शिवपाल का मस्तक मुलायम का हृदय और डॉक्टर राम गोपाल का हृदय मस्तिष्क प्यारा है, ये दोनों में अंतर है। नहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बयान दिया कि लाल रंग से अलर्ट रहिए, तो क्या हम भी अलर्ट हो जाएं? प्रधानमंत्री जी लाल रंग से अलर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने आज अंतिम बात थोड़ी कहा है, बहुत पहले से कहा गया है कहीं खतरा है तो लाल रंग लगाया जाता है। अच्छा, लाल रंग का मतलब खतरा है, बीजेपी ये कहते हैं कि लाल का मतलब खतरा है सिर्फ, कि लाल रंग खतरे का प्रतीक है, खतरे का प्रतीक है, लेकिन हर के लिए खतरा है, जहाँ जहाँ लाल रंग दिख रहा है तो वहां से हम हट जाएं, तो देवी देवताओं को कौन से रंग की चुनरी चढ़ाएं फिर? क्या माँ दुर्गा को कौन से रंग की चुनरी चढ़ाएं, लाल ना चढ़ाएं? माँ दुर्गा को चढ़ाएं, लेकिन लाल रंग की चुनरी का दूसरा मतलब है अखिलेश की लाल रंग की सैफई। अब रंगों के भी, अब राजनीति में रंगों के भी मतलब निकलने लगे हैं, 2022 नजदीक है, अब तो पता नहीं क्या क्या निकलेगा, क्यों अशोक जी? बिल्कुल निकलेगा, उत्तर प्रदेश में विकास हमने किया है, सबका साथ सबका विकास हमने किया है, तो हम बोलने के लिए है। अच्छा। हम तो खाली में वैक्सीन लाए, अखिलेश ने कहा रे मोदी की वैक्सीन लगवाएंगे, उनके बाप लगवा लिए, जब उनका बाप उनका कहना नहीं मानता तो हम आप मानेंगे। बौखलाहट बहुत ज्यादा है अशोक जी, चलिए ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये आप देख सकते हैं कि चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे जो आरोप प्रत्यारोप हैं, जो बयानबाजी है, जो बौखलाहट है, वो साफ तौर पर नजर आती है। अभी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि लाल का मतलब खतरा है, अगर आप देख रहे हैं कि कहीं भी लाल रंग है तो आप पीछे हट जाइए। लेकिन जब मैंने उनसे सवाल किया कि आप क्या माता को चुनरी नहीं चढ़ाएंगे लाल रंग की, तो फिर वो उसका दूसरा मतलब निकालते हुए नजर आए हैं। तो आप यहां समझ सकते हैं कि जो बात विकास की होनी चाहिए, जो बात रोजगार की होनी चाहिए, शिक्षा की होनी चाहिए, स्वास्थ्य होनी चाहिए, वहां पर रंगों की लड़ाई हो रही है कि कौन सा रंग सही है और कौन सा रंग सही नहीं है। ये तमाम चीजें जो हैं अब निकलती हुई नजर आ रही हैं। अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी को लाल रंग से परेशानी है, बीजेपी ये कहती है कि लाल रंग का मतलब खतरा है, यानी कि सपा जो है वो प्रदेश के लिए खतरा है, इसका साफ मतलब यही है। यही जो बयानबाजी है वो लगातार होती हुई नजर आ रही है, टोपी पर सियासत लगातार हम देख रहे हैं। अब आगे ये क्या रंग लेकर आते हैं, कौन कौन से और रंग निकलते हैं, ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।